सत्य यही है। देखिए सत्य जो है राम नाम सत्य है और संसार झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब मोह माया के खेल है। सत्य वही है, राम नाम सत्य है। आज आसमान पूरी तरह खुला हुआ है। यहाँ एक सिरे से उड़ते पंछी किसी मुसव्वर का सुंदर ख्याल मालूम होते हैं, जैसे अभी अभी रंगों से उतारा गया हो कागज पर इन्हें। इसी बीच एक पतंग मुझे चढ़ाते हुए किसी दरख्त की शाखों से जा लिपटती है। मैं गर्मा गर्म कचौड़ी और दमालू पतीले में लिए घाट की सीढ़ियों पर पसरा हुआ हूँ। किनारे की हवा भी आज कुछ गुमशुदा सी है, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। एक हाथ मेरे माथे पर फिरता है, एक आवाज़ मेरे कानों के तंग गलियों से होते हुए मेरे जहन में जा उतरती है। माँ कहती है, उठो बनारस आ गया। उठा तो देखा बनारस एक ख्वाब ही था। बनारस बना हुआ रस, हर रसों का रस है बनारस। साला शहर है या मोहब्बत, जब भी बुलाती है खिंचा चला आता हूँ। पता नहीं कितनी शामें हमने यहाँ घाटों पर गुजार दी, वरुणा और रस्सी के बीच। यहीं इश्क हुआ, यहीं इबादत, और यहीं सभी शरारतें। यहीं पे दिल टूटा, यहीं गम के हिस्से लगे, यहीं रोए और यहीं समझे। अब मौत भी आएगी तो भोलेनाथ की कसम यहीं पे आएगी। गालिब जब बनारस आए तो लिख कर गए कि यहाँ की हवा मुर्दे में भी रूप फूंक देती है। ये सच है, लेकिन मौत पर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। पहले ये समझते हैं कि काशी, जो कि इतिहास के पन्नों में तब से दर्ज है जब एथेंस और रोम की कल्पना भी नहीं हुई थी, आखिर आया कहाँ से। लेकिन मैं इसको ये कहता हूँ कि काशी सर्व विद्या की राजधानी है, और यहाँ जिस तरीके की जिसकी इच्छा होती है, जो प्रश्न होता है उसका पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी इच्छा हुई किसी तरीके के ज्ञान और विज्ञान को हासिल करने के लिए, तो आपको जब ज्ञान विज्ञान हो जाता है तो आप मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ज्ञान जो होता है वो हमें मुक्त करता है। तो ये ज्ञान नगरी भी है जहाँ पे हर तरीके का ज्ञान आपको प्राप्त है। बनारस की गलियाँ इतनी तंग और दुबली हैं कि इसमें या तो लैला चल सके हैं या फिर मजनू। ये लैला मजनू हीर रांझे की कहानियाँ तो मैं बचपन से सुनता आया था, लेकिन एक कहानी जो मुझे बनारस आकर पता चली वो थी यहाँ के कबूतरों की। इसलिए हम वहाँ चल दिए जहाँ इस कहानी के सभी मुख्य किरदार एक ही महफिल में शामिल थे। लड़ाई नहीं होता है, ये होता है मिक्स हो जाते हैं, तो हम लोग उसको लड़ाइया कहते हैं। ये जैसे हमारे पिजन उड़े और सामने वाले के भी उड़े, दोनों एक जगह जाके गैदरिंग हो जाता है। इन लोग का विसल इसलिए देते हैं, हर लोग का विसल साउंड अलग अलग होता है, पिजन वो कैप्चर करते हैं। ये देखना होता है कि किन के कबूतर आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। जैसे मेरे बुलावे पर आते हैं, अगर मेरे बुलावे पर कैप्चर हुआ तो खींच के उन लोग को भी ला सकते हैं ये लोग। सफ़ेद रुमाल जब कबूतर नहीं बन सका तो वो शोहबदाबाज पलटने वालों से कह रहा था, रुको खुदा की कसम बनेगा। शोहबदाबाज जादू का खेल दिखाने वाले, यानी अपनी काशी। बस कबूतरों की लड़ाई ख़त्म हुई और बाहर निकले तो मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई जो बनारस के अल्हड़पन का एक जीता जागता मिसाल थे। काली काली जुल्फें और मूछों पर ताव, अपने टुक टुक पर धाक जमाए बैठे गुरुजी ने जब गाड़ी हमारे ठीक सामने रोकी तो ऊपर बैठ जाने के अलावा दिल में कोई ख्याल नहीं आया। स्पीकर पर जितनी तेज राम भजन था उससे कई गुना तेज इनकी जवाबदारी और खातिरदारी ऐसी कि जब बातों का सिलसिला चला तो गुरुजी सीधा अपने घर दावत दे बैठे। तो मेरा क्या था, बनारस उंगली पकड़ा कर जहां भी ले जाता वही मेरी मंजिल हो जाती। जब तक गुरुजी का नहाने और पूजा पाठ का कार्यक्रम चला,
मैं वहीं बिस्तर पर बैठा बैठा नमकीन और बिस्कुट का स्वाद लेता रहा, फिर प्रसाद उठाया और सीधा उन्हें अपने सवालों में उलझा दिया। जवानी तो हमारी जो है ऐसी रंगीन बीती कि जहाँ चलते थे वहाँ लोग निगाहें, चाहे लड़का हो लड़की हो, बच्चे हो, सयान हो, औरत हो, जो भी हो, सब मुझे एक नज़र प्यार से जरूर देखते थे। हमारे मोहल्ले के लड़के परेशान रहते थे, इस साला पंडितवा बवाल करला, ऐसे वैसे ऐसे ऐसी कहानी में कई जगह लाठी भी चल गया है। खाली माने इतने स्मार्ट खाली हम थे कि उसके वजह से, समझ रहे हैं ना। तो बचपना हमारा वही जैसे लौंडूस फंडूस वाला बीतता है वैसा ही बीता है, बहुत अच्छा नहीं बीता है, लेकिन क्या है उसमें भी हम एंजॉय ढूंढ लिया करते थे। कहानियां थी वो रातें, कहानियां थे वो लोग, चराग गुल करो और बुझ बुझा के सो जाओ। कहानियों को ढूंढते हुए अक्सर हम बहुत दूर निकल आते हैं, लेकिन एक कहानी तो ये भी है कि हम थे कहाँ और यहाँ तक पहुँचे कैसे। बनारस में कहानियों का चराग कभी नहीं बुझता, जब भी लौ कमज़ोर पड़ी कोई आया और चुपके से तेल छोड़ गया। जैसे कि ये दुकान जहाँ मैं आया तो था सिर्फ लस्सी पीने, लेकिन जब इसकी सूरत देखी तो बस देखता रह गया। नीले रंग से रंगी इस दुकान की दीवारों पर राहगीरों की तस्वीरें चिपकी थीं। दुकान पर आने वाले लोग एक याद के तौर पर अपनी तस्वीर लगा देते, जो अब एक दस्तूर सा बन गया है। इन दीवारों से हटकर एक और चीज़ थी जो बड़ी दिलचस्प थी। 35 साल पहले पन्नालाल लस्सी के नाम से जाने जाने वाली मशहूर ब्लू लस्सी तब बनी जब एक कोरियन महिला ने बनारस घूमते वक्त यहाँ के लस्सी की आजमाइश की और अपने देश जाकर इसी ब्लू लस्सी के नाम से एक नया जीवन दे दिया। शोहरत इस कदर कि दुकान की बोर्ड पर अब कोरियन में भी नाम छपा गया। मिट्टी के कुल्हड़ में जब ठंडी ठंडी लस्सी मेरे हाथों में आई तो दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची। कुल्हड़ अभी हाथ से छटक कर जमीन पर फूटा भी नहीं था कि गुरुजी ने हमें हमारी अगली मंजिल बताई और तभी लस्सी का मीठा स्वाद जीभ पर फीका पड़ गया। अघोरी आश्रम बनारस से कुछ ही दूर पर था। उबड़ खाबड़ रस्तों से होते हुए जब मैं वहां पहुंचा तो आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर देवी देवताओं के ऊपर और उनके करीब इंसानी खोपड़ियां ऐसे सजी थी जैसे कोई फूल। एक कंकाल की आंखों में जब मैंने झांका तो मुझे ऐसा खालीपन नजर आया कि मैंने दोबारा उधर नजरें नहीं लड़ाई। चिल्लम का दम भरते चेलों से जब मैंने अघोर विद्या के बारे में पूछा तो उन्होंने भूत प्रेत और चमत्कार के कई किस्से सुनाए। मुझे ये भी बताया कि इंसानी शव जब गंगा से बहते हुए आश्रम तक पहुंचता है तो वो पुरानी प्रथा के अनुसार उसे पकाकर खाते हैं। काशी का नाम, पहला नाम है आनंदवन। आनंदवन में रहना है तो एकदम आनंद ही आनंद में रहना है। क्या आनंद ही आनंद में रहना। तीन लोक ते न्यारी सबसे सुंदर काशी, अपना काशी तीन लोक ते न्यारी है, तो काशी छोड़ के हम तो कहीं नहीं जाते बाबा। और काशी में भी हम महाशमशान में रहते हैं, जहाँ मेरे शिव का गढ़ है, शमशान भूमि। कोई मंदिर में जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना, शमशान तो बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, शिव का स्थान शमशान है। शिव क्या है? शिव माई फादर, क्या मुंडा विस्मय माता माता पिता तो वही हैं, तो वही हमारे सब कुछ है। जीवन का मतलब सत्य है, सत्य का पूजा करना है, सत्य ही शिव है, सत्य ही निराकार है, सत्य का कोई आकार नहीं है। 7 जन्म का तुम्हारा कमाई रहेगा तभी अघोरी बनोगे। अघोरी अघोरी लगना और अघोरी होना बहुत फर्क होता है, ठीक है। वस्त्र पहनने को अघोरी नहीं होता, अघोर उसी को कहते हैं जो शमशान में 24 घंटा साधना क्रिया करता है। कोई घर नहीं जाना है, कोई पंखा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, 24 घंटा शमशान में ही रहना पड़ेगा। उतना त्याग कोई नहीं कर सकता, जो करेगा वही बन सकता है। जो शमशान में छोड़ के गए तो उनके घर वाले हैं कि हमारे घर वाले हैं, पहले बताओ। कि जितने आए शमशान में छोड़ के मेरे घर पे जा रहे हैं ना, अब तो हमारा उनका रिश्ता है ना कि तुम्हारा रिश्ता है। यहाँ से तुम्हारा रिश्ता खत्म, अब मेरा उनका रिश्ता चलेगा। क्या चलेगा? मेरा उनका रिश्ता चलेगा, आपका रिश्ता यहाँ से खत्म हो जाता है। हम दोनों का रिश्ता चलेगा यहाँ पे जितने जलते हैं। जब सूरज ने भी अंगड़ाई ली तो मैंने वहां से निकलना ज्यादा बेहतर समझा।
वहां से इजाजत तो ले लिया था, लेकिन अभी भी वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। इसलिए दिमाग शांत करने मैं वहां पहुंच गया जहां सभी आते हैं, गंगा किनारे। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। जितने इत्मीनान से सूरज कंबल छोड़ता है, उतने ही इत्मीनान से हर गली में चाय की दुकान पर सदन बैठती है। नजरियों की पेशी होती है, कोई माँ गंगा की गोद में डूब जाता है तो कोई अखबार की ताजा खबरों में। एक बूढ़ा मौत के इंतजार में घाटों पर चलता दिख ही जाता है, और कोई साधु भिक्षा के इंतजार में। ये गलियां सिर्फ गलियां नहीं है, ये तस्वीर है गुजरे हुए वक्त की, जिसे संभालते संभालते कई जिम्मेदारियों की धूल में घूम हो गए। जो ठहर गए उन्होंने वक्त पर इत्मीनान की चादर डाल दी। यही तो खूबसूरती है बनारस की, यहाँ की आराम तलबी। जैसे कि मैं इससे पहले कि घाट की ख्याली सीढ़ियों पर पसरा, मैं बनारस को और पास से समझ पाता और करीब से जान पाता, भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। वक्त हो चला था शाम की गंगा आरती का। मोहब्बत का दूसरा नाम काशी है, या यूं कहें कि बनारस में प्रेम की गंगा बहती है, और इसी प्रेम का इजहार मुझे अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा था। अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चराग ने लौ को संभाल रखा है। आरती का जलना और पुजारियों का उसे अपने हाथों पर संभालना असल में एक संगीत है, जिसकी धुन हर सुबह और शाम दूर तलक जाती है और कहती है, माँ देखो लाल तुम्हारा फिर आया है तुम्हारे ही गोद में, हो सके तो मुझे सुला दो। रात ख्वाब में मैंने अपनी मौत देखी, इतने रोने वालों में तुम नजर नहीं आए। मणिकर्णिका के घाट पर जलती हजारों चिताओं की कुछ यही कहानी रही होगी। न जाने कितनों से अपने छूटे होंगे, ना जाने कितनों के अपने रूठे होंगे, आखिर में सभी बस एक किस्सा है। कर लूंगा जमा दौलत ओजर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, शेर और सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, मौज आए तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या, एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगी चरागे कमर, उसके बाद क्या, उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वही, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या।